पूर्णिया जिला मुख्यालय से 22 किलोमीटर दूर डगरुआ प्रखंड का दरियापुर गांव सूबे का पहला गांव बन गया है, जहां मछली पालन के लिए केज कल्चर तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तकनीक के माध्यम से मछली पालन में 100 मछुआरों का परिवार सीधे तौर पर जुड़ा है। केज कल्चर तकनीक के प्रयोग से मछलियों के इधर उधर भटकने की संभावना कम रहती है। मछुआरों का कहना है कि केज कल्चर तकनीक के लिए सरकार की ओर से 50% सब्सिडी मिलने से लागत कम हो जाती है। गरीब मछुआ का मछुआरों के लिए सब्सिडी निकला हुआ है। अभी इसमें मछली हमारे 100 ग्राम से 125-150 ग्राम तक हुआ है। अभी नॉर्मल हमारे महीना से 1.5 महीना हुआ है डालने से मछली नहीं पड़ेगी। एक बार हम लोग का यानी कि इसके बारे में एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा तो खुद लोग आएंगे यहाँ मछली लेने के लिए, जैसे बहुत सारा सुविधा हो जाएगा, तो वो बाद वाली बात है। कितना समय लगता है? समय सर आपको और जितना बढ़ाइएगा ना उतना समय लगेगा। आपको अगर कम समय में निकालोगे तो सर आप छोटा ही रहेगा ना, तो उससे कम फायदा है। जितना लेट करके निकालेंगे उतना ज़्यादा फायदा है। जिला मत्स्य पदाधिकारी कन्हैया कुमार बताते हैं कि चंदेश्वरी जलाशय प्रदेश का इकलौता जलकर है, जहां केज कल्चर फिशरीज की व्यवस्था की गई है। इस तकनीक से साल में 2 बार मछली पालन किया जा सकता है। एक बिहार का इकलौता योजना है जो हम लोग पहली बार रिवाइन डेड रिवाइन सिस्टम में यानी ऑस्मो लेक में शुरू किए हैं। यहाँ इस योजना के तहत लगभग 100 मछुआरे मिल के योजना अभी चला रहे हैं, जिसमें इस योजना में लगभग 50% सरकार की अनुदान दिया हुआ है। और ये ऐसे में यहाँ इस केज कल्चर में प्रत्येक केज में 3,000 पलेसियस फीस स्टॉक की है, यानी 48,000 टोटल पलेसियस फीस का संचयन हुआ है। केज कल्चर तकनीक को प्रदेश के अन्य जिलों में अपनाया जाए तो निश्चित रूप से मछुआरों की आर्थिक स्थिति में बदलाव लाया जा सकता है। पूर्णिया से जयप्रकाश मिश्र की रिपोर्ट के साथ दूरदर्शन समाचार पटना।